जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है, एशियन पैरा गेम्स के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एशियन पैरा गेम्स 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एशियन पैरा गेम्स में गए भारतीय शूटर्स के बारे में, जिनसे भारत को पदक की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले जो शूटर यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं, इनका नाम है अवनी लेखरा और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है पैरालंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली। और पिछला जो पैरालंपिक गया था टोक्यो में, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। अवनी लेखरा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में। और इनकी जो ओपोनेंट थी वो भी काफ़ी एक तगड़ी ओपोनेंट थी, जेंग चाइना की, और इनको हरा कर इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक्स में। इसके बाद आते हैं रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल एक टैलेंटेड यंग पैराशूटर है और इन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल जीता था P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट, यानी कि जो वर्ल्ड कप होती है पैराशूटिंग की, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है P1 कैटेगरी में। इसके बाद निशा कंवर यहाँ पर हमको नज़र आएंगी और इन्होंने डबल गोल्ड जीता था और एक इंडिविजुअल गोल्ड भी यहाँ पर जीता था वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में 20th कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग कंपटीशन में। और इनका जो प्रदर्शन है हालिया वो काफ़ी अच्छा रहा है, तो इनसे भी एक शूटिंग में पदक की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसके बाद आती है मोना अग्रवाल। और मोना अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने रिसेंटली एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित हुए 2030 में ओशिजक में वहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आते हैं मनीष नारवाल, जो कि एक पैराशूटर है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था SH1 50 मीटर पिस्टल कैटेगरी में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। इसके बाद आते हैं सिंगराज अधाना। तो सिंगराज अधाना यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट है टोक्यो पैरालंपिक्स के और साथ ही उन्होंने P1 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था उसी पैरालंपिक में। तो यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में ये डबल मेडलिस्ट है और इनसे भी इस बार एशियन पैरा गेम्स में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसके बाद आते हैं दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह ने काफ़ी ज़्यादा पदक गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर जीते हैं और एक न्यू पैरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है वर्ल्ड कप में, जो कि बैंकॉक में आयोजित हुआ था। इसके बाद आते हैं राहुल जाखर। राहुल जाखर यहाँ पर करेंटली वर्ल्ड नंबर 8 है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में और उन्होंने 2018 एशियन पैरा गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था P4 मिक्स 50 मीटर फ्री पिस्टल कैटेगरी में। तो इस बार भी राहुल जाखर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं भारत को। इसके बाद आते हैं राहुल जाखर, जिन्होंने फ्रांस में गोल्ड मेडल जीता था 2018 में और एक गोल्ड मेडल जीता था पैरा वर्ल्ड कप टीम इवेंट में बैंकॉक में 2017 में, और वे 12वें पोजीशन में रहे थे पैरा वर्ल्ड कप 2017 में, जो कि दुबई में आयोजित हुआ था। तो यही थे कुछ पैरा शूटर्स जिनसे भारत को पदक की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं एशियन पैरा गेम्स 2022 में। और हमको उम्मीद है इस बार एशियन गेम्स की ही तरह एशियन पैरा गेम्स में भी भारतीय शूटर्स कमाल कर दिखाएंगे और काफ़ी सारे पदक लाएंगे भारत के लिए एशियन पैरा गेम्स से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।